जोन सा पीछे था भाई का मोबाइल निकाल के उसने फेंक दिया फोरी। मोबाइल किसने फेंका? मोबाइल मेरे को पता ही नहीं भैया। नंगल ला रहे थे मेरे साथ, ये भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है, ये मेरे दाई साहब है, ये मेरे भाई साहब है। इसने इधर से मोबाइल निकाला है, जब मैंने इसको देख लिया इसने पॉकेट में डालने के बजाय ये वाला जी एने जो पोगे जो पाना सी एने मेनू वेखे ने वेख के नाल ही पीछे सुटता है। ए की कर रहे हो? बड़ी तेरे तक खा रहे तू कसम है खुदा दी, जदों तू मेरा नाम लिया है ओथू तू मैं टुड़े आ रहा, तू मेनू जुड़ गया उल्टा जुड़ की गया, तू तो फिर फौरन ओथे रुकया भी नहीं, रुकया नहीं कुत्ती लात दी तू तो ही ना से आते फिर रोक ओथे रोक तो सही करदा की है। मैं रशका चीन चीन चलाता हूं इथे रिक्शा दे छोटा भाई केड़ा लेके गया आगे उन्होंने पाड़ा भैया ओथे की कर रहे? लंगर ले रहे थे भैया नान लीम का। मैं जेबे जुबे नहीं काट रहा, ये कह रहा जी मेरा मोबाइल निकाला, मैंने कह रहा हूँ मैंने नहीं निकाला। अच्छा पुलिस चोर यहाँ पे खड़े हैं लेकिन डाला चला गया, वो देखें पुलिस वाले पास से गुजर गए लेकिन चोर पकड़ेंगे लेकिन पुलिस चली गई। लाले की पुलिस से मैंने बुला ला तू आज ये सिर्फ बाटू रहा था, मेरा किराया था रश्का चलाया है। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है जी, किश्ती आ गया आज ये सिर्फ बाटू रहा था रश्का किराया था चलाया, तो अगली गल भी करो मैं अपना चला रहे हैं। इधर आ भाई इधर आ, थाने से कल जानी है। अच्छा मारना नहीं है? मेरे जंगले में हाथ थे ठीक है, पिछले कसम चुकाई वहाँ छोड़ दिया इसने मेरे को। ये कह रही तूने भाई का नाम लिया मेरे का, मैंने कहा मैंने नाम किसी का नहीं लिया, जो सा पीछे था भाई का मोबाइल निकाल के उसने फेंक दिया फोरी, मैंने उसके उसको टाइम उसी टाइम मैंने छोड़ दिया। मोबाइल किसने फेंका? मोबाइल मेरे को पता ही नहीं भैया, मैं नंगल ला रहे थे, नंगल ला रहे थे मेरे साथ, ये भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है ठीक है, ये मेरे दाई साहब है, ये मेरे भाई साहब है। इसने इधर से मोबाइल निकाला है, जब मैंने इसको देख लिया इसने पॉकेट में डालने के बजाय ये वाला जी एने जो पोगे जो पाना सी एने मेनू वेखे ने वेख के नाल ही पीछे सुटता है, पीछे गया भाई खलोता है कहना कढ़िया। ये भाई बोल रहा है मेरे को मोबाइल इसने उठाया है, इसने निकाल के जेब में से नीचे फेंक दिया है, मेरे को पता चल नहीं पता इसने मुझे उस टाइम चढ़ गया है, फिर इसने तेरा नाम ले रहा है। जंगले में आते उस टाइम मौजूदा भी पीछे आता गया भाई घुसुन घुसुन मेरे को पीछे से शुरू हो गया, वहाँ से शुरू नहीं होया यहाँ मैं जब इतने अपना इधर आ गया हूँ मैं इधर गोलबाग प्रदोशिया मस्जिद करता की है। मैं रश्का चीन चीन चलाता हूँ इतने रिक्शा दे छोटा भाई गेड़ा लेके गया आगे गेड़ा लेके गया आगे ये सारा इसने पाड़ा भैया ओथे की कर रहे हैं? लंगर ले रहे थे भैया नान लीम का। अच्छा मैं तो ले रहे थे पीछे मोबाइल नहीं नहीं मैं जंगले के पास था, जंगला जब वो नहीं होता रश्के वाला उसके पास था मैंने। कब से कर मैं कब से कर रहा हूँ भैया मैं तो ये जेबे कट कब से मैं भैया मैं जेबे जुबे नहीं काट रहा, ये कह रहा जी मेरा मोबाइल निकाला, मैंने कह रहा हूँ मैंने नहीं निकाला। इसने क्या आप कसम उठाते हो? मैंने कहा मैं उठाता हूँ। उधर इसने भाई मेरे को छोड़ दिया कह रहा तूने नहीं निकाला ना, मैं कहा भाई पीछे जड़ा खड़ा थी उन्होंने पूछ मैं ना नहीं लिया ओ भाई ना यही पीछे तेरे नाल वो खलोता उन्होंने पूछ जाके मैं पूछा उन्हें क्या मैं नहीं कटिया। अच्छा पुलिस चोर यहाँ पे खड़े लेकिन डाला चला गया, वो देखें पुलिस वाले पास से गुजर गए लेकिन चोर पकड़ेंगे ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन पुलिस चली गई। लाले की पुलिस से मैंने बुला ला तू आज ये सिर्फ बाटू रहा था, मेरा किराया था रश्का चलाया है बाद में कॉल भी। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है जी, कहानी में मैंने किश्ती आ गया आज ये सिर्फ बाटू रहा था रश्का किराया था चलाया, तो अगली गल भी करो मैं अपना चला रहे हैं। नाम क्या है? मोहसन भैया। आज ये अशरफ भट्ट कौन है? आज ये सब शिकाबाद के पास है, किराए के रेंट पे रश्के देते 500 रुपया दिहाड़ी पे। अच्छा उसका रश्का चलाते हैं? उनका रश्का भी मैंने चलाया। अच्छा अब मारा अपना है। अच्छा। रैश भी है प्रदोषिया मस्जिद के तो उसमें गुजारा नहीं होता ये क्यों नहीं गुजारा हो रहा है, ये अपना नाम गलत ले रहा है, ये पीछे से भाई को ले गया कह रहा था आपका नाम ले उसका निकाला है तो उसने पकड़ा है ना बिना वजह, तो कोई मेरे को कहां से पकड़ लिया जेब के अंदर डालने लगा है, मैंने ध्यान पे आया इसने पीछे छोड़ दिया जेब चपाया नहीं इन्हें उसने पकड़ लिया है निकाल के पीछे फेंक दिया। पंजाबी में बात कर लो है ना पीछे सुटिया था उसमें पीछे थलो चोगले हो सड़ा है थलो चोगले है पंजाबी निकाल कर ले कोई बात नहीं। अच्छा मामला ये है कि ये भाई साहब मान नहीं रहे कि मैंने जेब से मोबाइल निकाला नहीं है, और ये भाई साहब कह रहे कि निकाला ही इसने निकाल के जब मैंने देखा है तो साथ इसने नीचे फेंक दिया, तो इस तरह के जेब खतरे बहुत ज़्यादा है लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं है। हमने माजी में इंटरव्यू भी किए हैं कि कितने जेब कतरे हैं, जैसे पहले एक इंटरव्यू चला है कि जेब कतरा बड़े दबंग तरीके के साथ वो बोलता है कि मैंने बड़ी जेबें काटी हैं और मैं बहुत जेबें काटता हूँ लेकिन मुझे पकड़ता कोई नहीं है, लेकिन अगले दिन मैं देखता हूँ कि वो बंदा जो है ना जेल में मौजूद होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसको जेल भेज देती है। तो इस तरह के मामला जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पुलिस को चाहिए कम अज़ कम अपने खुफिया तरीके के साथ इन जेब कतरों को पकड़ें ताकि
मजीद जो हमारे इस तरह के लोग जो होते हैं वो जो जुड़ गया उल्टा गया तू तो फिर फौरन रुकया भी नहीं खलो ना अब जाके आगे जाके बोलने का तरीका अंदाज चेक करो जरा ये कारीगर है कारीगर लोग होते लो जी ये हालात है जी जेब कतरे बहुत ज्यादा है यहाँ पे यकीन माने आपकी खड़े खड़े जो है ना जेबें काटी जाती है यहाँ पे मैं देख लूँ मेरे पास है कि नहीं मेरी भी काट ली है तो नाजरी इस तरह के जो है ना हालात बहुत ख़राब है आजकल जहाँ पे चोर नज़र आए उसने कार्रवाई डालनी है चोर ने क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं तो ये वीडियो भी दिखाना ज़रूरी थी हमारे पुलिस मुलाजमान के लिए मुझे दीजिएगा ज़्यादा तलब।